अचानक से प्लान बन गया और हम लोग अब एक क्रूज पे बैठ गए। ओ भाई मक्की मेरे कैमरा पे आ गया है। ये बोले रशियन शोरमा जो ताजिक लोग बना रहे हैं। काफी टूरिस्टी ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लड़की नहीं रही ऐसे ना साली सर्दियां विंटर बन गई है भाई। शुभम ये तीन इंडियन जेल से भागे हुए अब रशिया में आके तहलका मचा रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ तीन चार पाँच दिनों से मैं मॉस्को में हूँ और आज मैं आ गया हूँ मॉस्को का रेड स्क्वायर। हालांकि यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ समर में, मैं विंटर्स में आ रखा था और यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ समर में। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, बट धूप भाई साहब वहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पर है धूप। अब आपको दिखाता हूँ, हालाँकि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं तीन लोगों के साथ हूँ। एक लोग को तो आप जानती होगी, आपने काफ़ी मेरे वीडियोस में देखा होगा, दीपांशु भाई उर्फ नोमेडिक इंडियन उर्फ। उसके बाद मेरा भाई आ रखा है एंड तरण भाई भी आ रखे हैं। तरण भाई से आप रशिया के एक वीडियोस में देखा होगा, जब मैं रशिया जा रहा था तो मैं उनसे मिला था। चलो आप सबको मैं उनसे मिलाता हूँ एंड उसके बाद ये रेड स्क्वायर को भी देखा जाएगा। क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका मॉस्को में। स्वागत है मॉस्को में। स्वागत है कैमरे पे। तब बताओ क्या क्या प्लान है अभी। वही तो पंगा है, प्लान ही नहीं है कुछ, इतना घूम लिया है पिछले इन तीन चार दिनों में। हाँ। कि क्या ही बताऊं। पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे मॉस्को। चलो यहाँ पे इन लोगों को जो जड़ा ऑडियंस को दिखा देंगे क्या आजकल हाल चल रहा है रेड स्क्वायर में। जब मैं विंटर में आया था तो यहाँ पे मतलब 3-4-10 लोग थे। अरे उस टाइम एक तो विंटर हो गई और एक ऊपर से कोविड वाला सीन। हाँ लेकिन अभी ये देखो पूरी रशिया नहीं मॉस्को नहीं पूरी रशिया उठ के आ गई यहाँ पे। और आज सैटरडे संडे वाला भी सीन है ना। अच्छा आज वीकेंड भी है तो इसलिए बहुत लोग आ रखे हैं। उस तरफ श्रद्धांजलि दे रहे थे लोगों की, किस चीज़ की श्रद्धांजलि? 1941 से 45 वाले वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। हाँ। तो बहुत भी शायद देखी होगी वो कई बार आरटी जो रशिया का वो है ना यूट्यूब पे माउथपीस। हाँ हाँ। उसको वीडियो अपलोड करता है तो शायद कई बार आपने वीडियो देखी होगी, पुतिन साहब एक श्रद्धांजलि दे रहे थे बारिश में भीगते हुए। हाँ तो वो शायद यहीं की है। हाँ ये शॉर्ट्स में काफी फेमस हुआ था ये kind of shot वाले versus, मतलब कि एक साइड में यूएसए के प्रेसिडेंट को दिखाया था और एक साइड में पुतिन को दिखाया था, तो versus आया। ये देखो रेड इसका सब कुछ रेड। फोर सीजन होटल रहना है वहाँ पे। कितना है वहाँ पे सोचना ही नहीं है भाई, क्यों जिस गली जाना नहीं है क्यों पूछे भाई। एकदम क्या मस्त होटल है ये फोर सीजन होटल है और ये पूरा क्रेमलिन है। आपके सामने एक चर्च वगैरह भी दिख रहा होगा। आपको याद होगी जब मैं विंटर में आया था तो आपने ये सेम सीनरी देखा था, बट बिना कोई लोगों के। अभी भाई लोग हैं, टूर गाइड यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, देखो लेके जा रहे हैं। चाइनीज ग्रुप तो नहीं है ना? नहीं, चाइनीज ग्रुप नहीं है, रशियन ग्रुप ही है, फॉलो कर रहे हैं। और अभी तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट गया है 23 और लोएस्ट 13 डिग्री सेल्सियस। और ये भी लाइक कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना ये? हाँ जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई में भाई साहब ये तापमान चल रहा है, बताओ लोएस्ट चला जा रहा है 13 डिग्री सेल्सियस। इनके समर है, वेलकम टू समर ऑफ रशिया। मेरे पीछे है लेनिन म्यूजियम, क्या कहते हैं म्यूजियम मुझे ऐसे वो नहीं पता भाई, वो पाजी को पता होगा क्या कहते हैं पाजी? म्यूजियम और ये गुम सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, लाइक बड़ा तो नहीं है बट हाँ काफी ट्रेडिशनल शॉपिंग मॉल है ये। 24 में डाता लेनिन भाई साहब, वो बता रहे जानकारी लेके गूगल से। और पाजी कल आपको यहाँ पे जाने नहीं दिया था ना? नहीं वहाँ पे जाने नहीं दिया, वो कह रहे थे कि हेड कवर करके अलाउड नहीं अंदर जाना जेंट्स के लिए। अच्छा जेंट्स के लिए, और गर्ल्स के लिए हेड कवर करना पड़ेगा? हाँ हेड कवर करना मिल जाएगी। अलग अलग सिस्टम है। तो भाई ये प्लेस है जहाँ पे लेनिन को रखा गया है, बट वो 1 बजे बंद हो जाता है। और किस किस दिन खुला रहता है लेनिन का ये प्लेस? राजन को पता है।
ये बड़ा गाइड है हमारा, ये हमारा टूर गाइड है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 5 दिनों तक। संडे मंडे को बंद रहता है? हाँ, संडे मंडे को बंद रहता है और 1 बजे ही बंद हो जाता है अगर आपको आना है, क्योंकि तरुण पाजी 2 दिनों से आने का ट्राई कर रहे हैं बट आज नहीं आ पाए। ये मेरे टूर गाइड गलत है, इनको कुछ पता नहीं है। कल आपको कितना चलाया इन्होंने? कल गूगल के ना सॉरी एप्पल आईफोन में जो हेल्थ आती है उससे अकॉर्डिंग 21 किलोमीटर। मक्खी देखो ना, मक्खी देखो। ओ भाई, मक्खी मेरे कैमरा पे आ गया है। नहीं, मधुमक्खी वैसे ही कम हो रही है यार, जाने दो इसको, जाने दो। भाई मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये मैं लाइक मॉस्को रेड स्क्वायर में पहली बार आ रहा हूँ और इस रेड स्क्वायर में पहली बार मैं वॉक कर रहा हूँ गर्मियों में। मैं सर्दियों में यहाँ पर आया हूँ बट गर्मियों में पहली बार है, इसलिए आज पहाड़ी जनता आपको दिख रही होगी, बड़े बड़े जनता है आपको यहाँ पे। और ये जो सबसे जो मोस्ट फेमस है, जो सबसे ब्यूटीफुल है, ये है विंटर में। भाई इसी लोकेशन में मैंने फोटो ली थी और यहाँ पे जनता भरी पड़ी है बट विंटर में कोई नहीं था, तो विंटर में यहाँ पे आओ फोटो लेने के लिए मस्त जगह है। अभी हम लोगों ने साली सर्दियाँ विंटर बन गई है भाई शुभम। हाँ, क्या कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम फोटो लिया यार, किसी को बोला कि मैंने हमारा अच्छा फोटो ले लो, बट अपनी फोटो में बड़े मेहनत कर रहे हैं, हमारी फोटो में मेहनत करते ही नहीं है। पर एक तो तोंद ऐसी आ रखी है, ऐसे खींच के रखना पड़ता है बहुत देर। बट ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम है फॉलो कर लेना, इनका है nomadic.indian या राइट। हाँ वही होगा, हाँ वही 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 वही। आपको क्या है? IamAeroTJ। IamAero, IamAerotJ। ठीक है, एरो वही एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन वाला। एंड मेरा तो मेरा नॉमेड शुभम हो गया। उसके बाद खुद का प्रमोट करना राजन लौंडा का RKP_74। ओके, सबका डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, जाके देख लेना आप। और एक फोटो अभी यहीं से डाला है, अभी आज का डेट कितना है वो जाके लाइक करो अभी। भाई आपको जाओ इंस्टाग्राम पे फोटो मिल जाएगा, जाके लाइक कर देना वो। तो भाई चलते चलते कोई मीडिया सेंटर के ऊपर आ गए हैं और ये देखो, अच्छा ये व्यू एंड पातल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, बट यहाँ पे इस तरह का ये हाल है अगर आप देखोगे तो। और एक बात आपको और बता दूँ कि अगर यहाँ पे आप टॉयलेट जाते हो तो पैसे लग जाते हैं आपके 50-60-70 रूबल, लेकिन अगर आप यहाँ पे अंदर आके सब मीडिया सेंटर में आते हो तो फ्री में हो जाता है काम। तो मीडिया सेंटर वगैरह आप आ जाया करो, यहाँ पे कुछ लोग हैं कुछ बता रही है इसके बारे में क्या है नहीं है, ये कुछ ऐसा हाल है भाई। अरे यहाँ से आप ले भी सकते हो, आई थिंक पैसे वगैरह देने होंगे अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए, और यहाँ से आई थिंक चार्ज भी कर सकते हो डायरेक्टली फ्री में अगर आपको चार्ज करना है तो। अच्छा, 50 रुपये प्रत्येक घंटे का है, ठीक है, उतना महंगा भी नहीं है। तो भाई छोटी छोटी गलियों से हम लोग निकल रहे हैं अभी और जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट खाने के लिए। ये हम लोग अभी कैबिन के पास कुछ समय तक थे, अब जा रहे हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पे बस मेट्रो ट्रैम की टिकट मिलती है, इसे कहते हैं अनलिमिटेड टिकट। मैंने भी जस्ट लिया है अभी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर इस तरह का पतला वाला कार्ड लो और या तो फिर तोपचा कार्ड कहते हैं उसको। तोपचा कार्ड 550 का आता है, ये आता है 500 रूबल का। तो 500 रूबल में आप 3 दिनों तक अनलिमिटेड मेट्रो ट्रेन बस जो भी हो सके ले सकते हो। और यहाँ पे टैक्सी लाइक लेना स्पेशली सिटी सेंटर में बेकार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो भाई ये मॉस्को की वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट है, पोल्स्का स्ट्रीट, निकोल्स्का स्ट्रीट। भाई काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है इधर, ऐसे देखोगे आप तो। और इधर जाने के बाद आपको क्रेमलिन का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, पे वो बैंड बाजार मस्त मस्त डांस हो रहे थे कल रात को यहाँ पे आने की लग जगह है। मैं पिछले साल यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ तक जाने दिया था, उसके बाद पुतिन साहब का कुछ परेड चल रहा था तो उन्होंने मुझे वापस जाने दिया नहीं, तो फिर मैं जा नहीं पाया। तो पहली बार मैं रेड स्क्वायर जा रहा था समर में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये स्ट्रीट है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल देखने में लगती है ये स्ट्रीट अगर आप देखोगे तो। काफ़ी टूरिस्टी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ना कि मस्को से बट सैबरिया से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ ट्रैवल करने के लिए, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल ये स्ट्रीट भी है। ये बोले थे हम लोग अभी जा रहे हैं रशियन खाना खाने के लिए, और हम लोग अभी कुछ रशियन खाना खा रहे हैं, कुछ शॉर्मा रशियन खाना है ना भाई, बिल टर्किश है, टर्किश या ईरानी। ये रशियन बोल रहे हैं रशियन शॉर्मा ये बोले रशियन शॉर्मा है जो ताजिक लोग बना रहे हैं।
यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये टर्की डिश बना ताजिक लोग हैं, एशिया में रहे हैं हम लोग। और बोल रहे थे ना कोक बंद हो गया, धड़ल्ले से मिल रहा है यहाँ पे, कोक तो यहाँ मिल रहा है। लेकिन ये बोल रहे थे कि खाएंगे आज रशियन खाना, यार मिला ही नहीं यार। पिलमिनिया खाने का मन था, पिलमिनिया बोले तो रशियन मोमोज, वो मिले ही नहीं हमें। मेरा खाने का मन था बोर्श, मिला ही नहीं। मिला मतलब लंबी लाइन थी वहाँ, मेरा बस खाने का मन था, मिल गया कुछ ना कुछ। भाई चलते चलते एक ब्रिज पे आ गए थे। मैं यहाँ ब्रिज पे आया था पिछले साल, बट यहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन इस साल इस ब्रिज पे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, पिछले साल इतनी भीड़ नहीं थी। अगर आप देखोगे तो चर्च है यहाँ पर एक, और ये एक आई थिंक जो सुबह गए थे ना वहीं पर कुछ ऐसा ऊपर वाला एरिया है ये। अरे मैं उल्टा डायरेक्शन में चल रहा हूँ, उस तरफ से जाना था। ये पूरा एरिया है, यहाँ पे कुछ क्रूज वगैरह चलती है। ये तो रेडिसन की चलती है भाई, और आई थिंक 1200 या 1300 रुपये लेती है रेडिसन की ये क्रूज चलती है। चलो अगर क्रूज करना है तो शाम को करो, क्योंकि शाम में क्या होता है ना कि ये थोड़ी लाइटिंग वगैरह भी रहती है, थोड़ी बल्ब वगैरह जलती है, तो देखने में और ब्यूटीफुल लगता है। अभी हालांकि सन को जाने में ऑलमोस्ट टाइम है भाई, अभी लाइक अभी टाइम लगेगा सन को सनसेट होने में, तो बट यहाँ पे भीड़ है लोगों की बहुत ज़्यादा। ये कौन सा होटल है? कौन सा वाला? ये वाला? ये रेडिसन को दे रखा है। अच्छा रेडिसन है ये? अरे इसको ये बता दे, स्टालिन जब न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी ना बड़ी बड़ी स्काईस्क्रैपर्स, तो स्टालिन को जोश चढ़ा। हाँ। तो फिर इधर मॉस्को के अंदर नो बिल्डिंग बनानी थी लेकिन साथ ही बन पाई, तो इन्हें स्टालिन स्क्रैपर्स बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स। तो ये लेकिन रेडिसन है ये? हाँ ये रेडिसन को भेज दिया बाद में। अच्छा भेज दिया, देख लेकिन ऊपर देख ले सोवियत टाइम का स्टार लगा। ये तीन इंडियन जेल से भागे हुए और अब रशिया में आके तहलका मचा रहे हैं। आप कहाँ से हो भाई साहब? बिहार। आप कौन जिला हो भाई? बिहार। कौन जात हो? कौन सी मूवी में बोलते हैं शुभम वो? अरे वो यार गैंगस्टर बासेपुर। गैंगस्टर बासेपुर में बोलता है कौन जात हो? नहीं यार उसमें कहाँ बोलता है। तो भाई अचानक से प्लान बन गया और हम लोग अब एक क्रूज पे बैठ गए। हालांकि ये जो बड़ी क्रूज होती है ये वाला जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह सब होता है वो जा नहीं पाया, तो छोटे वाले बैठना पड़ा, यहाँ पे बाहर बैठना पड़ेगा। आई 8:30 बजने वाले रात के आ रहे, होप ठंडी नहीं हो। मुझे नींद काफ़ी जोर से आ रही क्योंकि कल रात पूरी रात नहीं सोया हूँ। चलने के लिए तैयार हो? जी घूम जाता है तो मैं हालांकि इसी ऐसे बैठने के लिए था, ऐसे बैठने के लिए था बट मैं ऐसे करके बैठ रहा हूँ। ओ भाई लीन भी हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो चलते हैं अब हम लोग। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अब इस क्रूज पे। 800 रुपये पर बंदे का टिकट आया। 800 रुपये है पाजी? 800 रुपये जो मान लो, अब तो 3200 रुपये का पड़ा हमारा चारों का टिकट। एंड साथ में इसकी पैसे कितना पड़ा? 150 रुपये। 150 का एक मिला है हॉट चॉकलेट, ठीक ही है ये 150 रुपये में चलता है। एंड बाकी अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही, मैंने कल बताया था कि
कि कल मैं रात को सोया नहीं हूँ, मेरी फ्लाइट थी रात भर, तो अब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाय। अगर आपको ज़्यादा वीडियो देखने हैं इस क्रूज वाले, तो करण पाजी का मैं चैनल देता हूँ, ये पूरा भी वीडियो बनाने वाले हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, तो ये पूरा वीडियो बनाएंगे, मैं अब नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे से काफ़ी फंबल कर रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा हूँ, तो अब कल ही डायरेक्टली मिलता हूँ जब मैं सो के उठूँगा, फिलहाल के लिए बाय बाय। दसवीं दानिया इंस्टाग्राम आपको मैंने बता दिया था मेरा, पादी का और राजन का और दीपांशु भाई का इंस्टाग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब तो राजन का है नहीं, बाकी जिनका यूट्यूब है मैं दे दूंगा, बाकी आपसे मिलता है अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए दसवीं दानिया रशिया से मॉस्को से।